नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ केमी फ्रॉम राइट स्किल्स विद केमी चैनल से, और एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ही चैनल राइट स्किल्स विद केमी पर। तो दोस्तों, आज मैं आई हुई हूँ अपने पोर्च गार्डन में। तो पोर्च के गार्डन को भी थोड़ा बहुत सेट करना स्टार्ट कर दिया है, और पोर्च के गार्डन में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्लांट्स हैं, ये मेक्सिकन पिटूनियास को गमलों से निकाल कर और ग्रो बैग्स में अलग अलग करके इस तरह से लगा दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर हमारे जो ये ग्लाडिया हैं, इनको भी सेव किया है, ड्रेसीना सेव किए हैं। तो इनको इस तरह से एक ही ग्रो बैग में लगा दिया है, जिससे कि ये अगले सीजन तक अब सेव्ड हो जाएं। यही दोस्तों, ये कोलियस रखे हैं, कोलियस भी इतने सुंदर होते हैं दोस्तों, इतने सुंदर प्लांट्स हैं। यहाँ पर दोस्तों धूप आती है कम, तो धूप की वजह से यहाँ पर जो प्लांट्स हैं आराम से सेव हो जाते हैं, और कोलियस जैसे प्लांट्स को ज़्यादा तेज़ धूप नहीं लगती। इन दिनों धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है दोस्तों। एक तो इस वाले मौसम में धूप बहुत तेज़ है, और दूसरी बात दोस्तों, दूसरा जो मौसम हमारा रहता है वो रहता है गर्मियाँ आने से पहले भी, और गर्मियों में भी धूप काफ़ी तेज़ रहती है। जैसे जैसे सर्दियाँ आती जाएंगी, तो सर्दियों में जो दोस्तों ये धूप निकलती है इस वक्त, तो इस वक्त की ये धूप बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है प्लांट्स के लिए। तो यहाँ धूप नहीं आती है इतनी, इस वजह से यहाँ पर हम लोगों ने ये जो प्लांट्स हैं कोलियस वगैरह के, तो यहाँ रख दिए हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कोलियस की और वेराइटीज़ भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल हैं। ये देखिए कोलियस की पूरी ये रेड कलर वाली वैरायटी, और यहाँ देखिए कितने कटिंग के दोस्तों ये पत्ते हैं, इतने सुंदर लगते हैं मुझे। कोलियस के प्लांट्स बहुत ही तरह तरह के होते हैं। चलिए दोस्तों, आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, फेस्टिव सीज़न आ रहा है। फेस्टिव सीज़न का मतलब है गाइज, हमारे गार्डन को भी बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग कर लेनी चाहिए अब। तो इस वक्त जो फूलों का मौसम है, इस वक्त सबसे ज़्यादा मौसम है क्रिसेंथेमम्स, और हमारे ये जो मैरीगोल्ड्स होते हैं, चाहे वो जाफरी हों, चाहे वो हमारे नॉर्मल जो लंबी हाइट के होते हैं, या डॉर्फ वेराइटी के होते हैं, सभी प्रकार के मैरीगोल्ड्स का ये हमारा मौसम चल रहा है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ सीड से तैयार किए थे कुछ प्लांट्स। दोस्तों आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये सीड से तैयार, प्रिपेयर किया हमने सबसे पहले सीड से कुछ प्लांट्स को जो हमारे मैरीगोल्ड के थे। फिर उनके बाद दोस्तों उसमें से इस तरह से देखिए कटिंग्स निकाली बीच बीच से, उन कटिंग्स को फिर से लगाया, उन कटिंग्स से और कटिंग्स बनाई, और इस तरह कटिंग्स बनाते बनाते जो हमारे प्लांट्स हैं वो मल्टीप्लाई होते हुए कंप्लीट मैरीगोल्ड की पूर्ति इस वक्त हमारे गार्डन में कर चुके हैं। अभी और ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये टॉल वैरायटी का मैरीगोल्ड है, तो इसको यहाँ से कट करके और इसकी भी एक कटिंग और हम लोग तैयार कर लेंगे। मैरीगोल्ड की कटिंग लगाना बेहद आसान होता है, सिर्फ आपको ऊपर से कटिंग्स तोड़नी है, और कटिंग्स तोड़ के सॉइल में लगा देनी है, सॉइल मीडिया आपका चाहे नॉर्मल हो। तो इस वक्त मैं यही सब काम कर रही हूँ गाइस, और यहाँ पर हम लोग अपने नए नए प्लांटर्स में नए नए मैरीगोल्ड्स इस तरह से लगा रहे हैं, जिससे कि दीपावली पे एक बहुत ही सुंदर प्यारी ब्लूमिंग होना शुरू हो जाए। अगर दोस्तों मैं देहरादून की बात करूं, तो देहरादून में सैम्पलिंग इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती, सैम्पलिंग यहाँ इतनी जल्दी से अवेलेबल नहीं होती। अवेलेबिलिटी यहाँ पर जो सैम्पलिंग की होती है, वो यहाँ के मौसम के हिसाब से जो ये सीड्स डालते हैं लोग, तो अक्टूबर में जाके हमें सैम्पलिंग्स मिलनी स्टार्ट होती हैं, और स्टार्ट होने के बाद फिर हमें बाद में और सैम्पलिंग्स मिलनी फिर लग जाती हैं, और ज़्यादा सैम्पलिंग्स फिर आनी स्टार्ट हो जाती है नवम्बर में और दिसंबर में। तो गाइज़ हम लोगों का यहाँ सैम्पलिंग नहीं मिलती, अगर आपके यहाँ मिलती हो तो आप लोग ला सकते हैं मैरीगोल्ड की सैम्पलिंग्स। और यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारी जो ये सैम्पलिंग्स हैं, ये बनाई गई हैं दोस्तों कटिंग्स के द्वारा। ये जो कटिंग्स आप लोग देख सकते हैं, कटिंग्स के द्वारा ये छोटे छोटे से प्लांट्स तैयार किए गए हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया कि टूटे हुए थे, और इन्हीं प्लांट्स को यहाँ सॉइल मीडिया में हम लोगों ने लगाया है। यहाँ देखिए अभी ये लगाया हुआ है, थोड़ा सा मुरझा सा गया है ये प्लांट, कल तक ये इस तरह से स्ट्रेट पत्तियों का हो जाएगा। सॉइल मीडिया आप लोग बिल्कुल वेलड्रेन इस्तेमाल कीजिए, जितना वेलड्रेन आप लोग सॉइल मीडिया इस्तेमाल करेंगे, उतने बड़े आप लोगों के फ्लावर्स आएंगे, और उतनी अच्छी ब्लूमिंग आप लोगों को देखने को अपने प्लांट्स में मिलेगी। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं जो आपके हमारे ये प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स में जो पोर्स बने हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने हैं, और बहुत जल्द इसमें कलियाँ भी आनी शुरू हो जाएंगी। ये दोस्तों हैंगिंग प्लांटर है, ये देखिए मग प्लांटर, इस तरह से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ।
ये देखिए, इसमें भी अभी ये मैरीगोल्ड का प्लांट लगा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये यहाँ पर ब्लूम करेगा। और यहाँ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये रिबन प्लांट है। ये रिबन प्लांट बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, बिल्कुल स्पाइडर प्लांट की तरह। और ये अपने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दोस्तों अपने आप को मल्टीप्लाई करता है और इसे आप बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पर भी गाइस बहुत ही प्यारे प्लांट्स लगे हैं। ये क्रीपिंग चार्ली का प्लांट लगा हुआ है और यहाँ पर भी एक मैरीगोल्ड लगाया है, इसी तरह के एक हैंगिंग प्लांट है। यहाँ देखिए दोस्तों, ये है हमारे पोटैटो वाइन का प्लांट। पोटैटो वाइन की पत्तियाँ इतनी सुंदर होती हैं गाइस, एक तो इसे धूप कम चाहिए और इतनी सुंदर पत्तियाँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर इंग्लिश आईवी भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। इंग्लिश आईवी का ये छोटा सा प्लांट अपने आप कटिंग से तैयार किया है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा दोस्तों ये फैलने लगा है। यहाँ देखिए दोस्तों, ये हमारा रोयो प्लांट या रोईयो प्लांट, जो भी आप कहना चाहें। इसे नॉर्मली बोट लिली भी कहा जाता है और बोट लिली बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्लांट्स होते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ हमारे एलोवेरा लगे हैं। एलोवेरा मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है दोस्तों, ये तो मैं ज़रूर गार्डन में हमेशा रखती हूँ, जिससे कि ये दोस्तों स्किन केयर के लिए भी काम आता है, हमारे हेयर केयर के लिए भी काम आता है। तो एलोवेरा ज़रूर हम लोग अपने गार्डन में ऐड करना चाहिए हमें। और यहाँ देखिए, यहाँ हमारा ये नीम का छोटा सा पेड़ लगा हुआ है। यहाँ पीछे एक लॉन्ग वेराइटी ड्रेसिना लगा हुआ है। यहाँ एक कोलियस और देख सकते हैं आप, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। यहाँ गाइज हमारा ये नींबू का एक प्लांट लगा हुआ है। यहाँ देखिए दोस्तों, अभी ये प्लांट्स नर्सरी में आए भी नहीं हैं। ये मेरा लास्ट ईयर का सेव्ड ये कैबेज है, कैबेज केल या केन आप लोग कह सकते हैं। तो ये जो केल प्लांट्स हैं, ये भी दोस्तों कटिंग से लगाए हैं। ये प्लांट्स अभी कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, इनको बहुत ही मुश्किलों से लास्ट ईयर सेव किया गया है और बहुत ही अच्छे से अब इनकी कटिंग्स लग गई हैं। सो गाइस, इस तरह से हमारा कुछ ये पोर्च गार्डन का सेटलमेंट हुआ है, इस तरह से सेटल हुआ हुआ है ये। और यहाँ हमारा जो हॉली हॉक है लास्ट ईयर का, ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ अब स्टार्ट कर चुका है। यहाँ देखिए आप लोग, कितना ज़्यादा प्यारा हॉली हॉक लग रहा है। सो गाइस, इस तरह से कुछ है। और यहाँ देखिए, ग्लोए की जो हमारी बेल थी, ग्लोए की बेल भी हम लोगों ने पूरी काट दी है और ग्लोए की लकड़ी को इस तरह से सेव कर लिया है। ग्लोए की जो लकड़ी होती है दोस्तों, इस तरह से अगर हम लोग सेव कर लें तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक औषधि है। अगर आप लोगों का दोस्तों कोई औषधि या काढ़ा पीने का डेली मन करता है, तो 3 मंथ्स तक आप लोग ग्लोए की लकड़ी की जो आपके काढ़ा होता है उसका बना के आप पी सकते हैं। बाकी गाइज, ये देखिए, ये एक न्यू प्लांट है, इसका नेम मैं आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगी। ये इस पर मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, इस प्लांट पर मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी पूरी जानकारी सहित, और आप लोग उस वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप आप लोगों को वो वीडियो भी पसंद आएगा, आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो भी पसंद आया होगा। तो दोस्तों, तैयारियां शुरू कीजिए, दिवाली करीब आ रही है। आई होप आप लोग तैयारियां शुरू कर रहे होंगे या करने वाले होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने गार्डन्स को पूरा महका देते हैं फूलों से।